नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एपीएन पर आप देश की बात देख रहे हैं और इसमें हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा की पूरी तफसील। तेल अवीव में उनको दिए गए कॉरपोरेट वेलकम और कारपेट वेलकम दोनों ही आज उन्हें स्वागत हुआ है। तमाम बड़ी कंपनियों ने भी उनका स्वागत किया है और रेड कारपेट भी इजराइल ने उनके लिए बिछाया है। इस दोनों के क्या मायने हैं ये आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको इस रिश्तों के बीच आई गर्मजोशी को, कैसे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का खैर मकदम किया है। ये भी दिखाएंगे कि आपको पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों को क्या हासिल होने वाला है और फिर बात करेंगे चीन की जंग की धमकी की भी। जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल में है इसी बीच चीन कैसी साजिश रच रहा है उस पर भी हम नजर रखेंगे। दोनों देशों के बीच दिनों दिन बढ़ते तनातनी की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कहीं हमारी विदेश नीति में कोई चूक तो नहीं हो रही है, क्या विदेश नीति में बदलाव से देश को नुकसान हो सकता है या फिर ये बदलाव देश के हित में है, इसे समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। बात जीएसटी को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है तो जीएसटी की भी चर्चा करेंगे और जीएसटी को बार बार हम डिकोड करते रहे हैं अपने दर्शकों के लिए और अब हम आपको फिर से बताएंगे कि जीएसटी को लेकर विरोध और असमंजस के माहौल को किस तरह से लिया जाए। जम्मू कश्मीर असेंबली में इसको लेकर हुए हंगामे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और वहीं जीएसटी को लेकर भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या सफाई दी है ये भी बताएंगे। चलेंगे पश्चिम बंगाल जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज्यपाल के बर्ताव पर पारा चढ़ा हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कांग्रेस पर गरमाए नीतीश को मनाने के लिए राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं पहल और राहुल गांधी किस तरह से मनाने वाले हैं नीतीश को, उनकी तैयारी पर भी चर्चा करेंगे। दिखाएंगे उड़ीसा में बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने की बीजेपी की तैयारी क्या है और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने वहां पर नई रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है और इस रणनीति के तहत बीजेपी कौन से पासे खेलने वाली है ये हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज के दौरान बने साइकिल ट्रैक पर योगी सरकार की भ्रिकुटियां क्यों तनी हुई हैं ये भी आपको बताएंगे और उन लोगों को भी एक खुशखबरी सुनाएंगे जिनको 1500 के नोट बदलने का वक्त नहीं मिल पाया और अब भी उनके किसी कपड़े में या किसी पुराने पर्स में 1000 और 500 के नोट उन्हें मिल जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल से क्यों बंधी है उम्मीद और इस उम्मीद से हम सबों को कितनी उम्मीद होनी चाहिए इसको जाँचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देश विदेश की तमाम खबरें तो होंगी ही, देश भर की टॉप खबरों पर भी नजर डालेंगे और साथ ही इतिहास की भी बात करेंगे और एक ऐसे शख्स को याद करेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करेंगे जिसका प्रभाव हर भारतीय पर है और आज की राजनीति पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। खासकर बीजेपी ने उसका नाम खूब लिया, उसके नाम पर फाउंडेशन बनाया गया, पर वाकई क्या उनके जो सीख थी उस पर बीजेपी चल रही है, सरकार चल रही है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे आज विवेकानंद की। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर इसराइल पहुंच गए हैं। राजधानी तेल अवीव में इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। सफेद सूट में सजे धजे प्रधानमंत्री मोदी इसराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अपने शुरुआती भाषण में मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया और इसराइल यात्रा का न्योता देने के लिए नेतन्याहू को शुक्रिया भी अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये दौरा बताता है कि दोनों देशों के बीच कितना पुराना रिश्ता है। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी इस कदर थी कि पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 बार एक दूसरे से गले मिलकर दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि ये याराना पुराना है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए इसराइल के 11 मंत्री मौजूद थे और रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। इस तरह का स्वागत अमेरिकी प्रेसिडेंट और पोप के बाद भारतीय पीएम को ही हासिल हुआ है और इस दौरे में
तमाम बड़ी कंपनियां भी इसराइल की भारत की ओर निगाहें उठाए हुए हैं और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आतुर हैं। तस्वीर देखकर ही जाहिर होता है कि 70 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहले दौरे को लेकर इसराइल किस कदर उत्साह से भरा है। भारत इसराइल के रिश्तों में कितनी गर्मजोशी है, इसकी तस्दीक करने के लिए तस्वीरें काफी हैं। खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने हिंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। इजरायली पीएम ने हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया तो पीएम मोदी ने भी हिब्रू में शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। Excellency Prime Minister Netanyahu, ladies and gentlemen, Shalom, Leklam, Anisemia, Mayot, Lehiyat Po. पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और इजराइल अपनी राजनयिक दोस्ती की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। My visit celebrates the strength of centuries old links between our societies. Based on these bonds, our partnership has maintained a strong and sustained upswing since the establishment of full relationship diplomatic relations 25 years ago. मोदी के इजराइल दौरे के दौरान उन्हें वही सम्मान मिलेगा जैसा कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप को देता आया है। पीएम मोदी के पूरे दौरे में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ होंगे। भारत और इसराइल के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की भी उम्मीद है। इनमें रक्षा सुरक्षा, गंगा सफाई, साइबर सुरक्षा, वाटर मैनेजमेंट, कृषि और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी गले मिले नेतन्याहू के, आप समझ सकते हैं कि दोनों ही देश किस कदर एक दूसरे के संबंध की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार इसराइल दौरे के दौरान या बाद में पीएम मोदी फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। यह कदम भारत की पहले की नीति से बिल्कुल उलट है। यह कदम भारत का इसराइल के साथ अपने रिश्तों को खुलेआम स्वीकार करने जैसा है। यानी दोनों ही देश एक दूसरे के हितों को लेकर इंटरनेशनल मंच पर बात रखेंगे। देखा जाए तो फिलिस्तीन टू नेशन सिद्धांत को मानता है। टू नेशन सिद्धांत के अनुसार गाजा पट्टी, यरूशलम और वेस्ट बैंक एक साथ मिलकर फिलिस्तीन राष्ट्र हैं। इजराइल इसे नकारता है क्योंकि कश्मीर मसले पर इजराइल भारत के वन नेशन सिद्धांत का समर्थन करता है, इसीलिए वह चाहेगा कि भारत भी वन नेशन का समर्थन करे। ये तय है कि भारत इजराइल के साथ रिश्तों को सामरिक स्तर पर तो तेजी से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को लेकर भी उसका संकोच दूर हो चुका है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू से गले मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त वो तस्वीर भी याद आ रही थी जब राजीव गांधी यासिर अराफात के साथ गले मिलते थे। बहरहाल अब सरकार अलग है, दल अलग है, तो जाहिर सी बात है कि विदेश नीति भी बदली है। पीएम मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य, कृषि, जल और अंतरिक्ष तकनीक जैसे मसलों पर बातचीत और समझौते हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे कई कारणों से पीएम मोदी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन अब भी ये देखना होगा कि अमेरिका के ही तर्ज पर ये यात्रा अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद और भारत के लिए कम होगा। उसी तर्ज पर क्या इसराइल के लिए यात्रा ज्यादा फायदेमंद होगा और भारत के लिए कम, या फिर द्विपक्षीय समझौते से भारत और इसराइल दोनों ही देशों के लिए यात्रा शुभ और सफल रहेगी। इसराइल जाने वाले पहले भारतीय पीएम। इसराइल के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ की जमीन पर कदम रखा। रक्षा तकनीक, जल संशोधन, कृषि तकनीक जैसे मामलों में इसराइल अग्रणी देश है। ऐसे में इसराइल से बेहतर संबंध भारत के लिए फायदेमंद है। वैश्विक राजनीति में नया रुख।
भारतीय राजनेता जब भी इसराइल का दौरा करते हैं तो वो साथ ही फिलिस्तीन भी जाते हैं। भारत सरकार की इसराइल और फिलिस्तीन दोनों को बराबर तवज्जो देने की नीति रही है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय पीएम इस यात्रा में फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। इसे भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग। रक्षा तकनीक में इसराइल दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक है। भारत ने साल 2012 से 2016 के बीच खरीदे गए 41% हथियार इसराइल से खरीदे थे। अमेरिका और रूस के बाद इसराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। अप्रैल 2017 में भारत और इसराइल के बीच 12,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हुआ। कृषि क्षेत्र में समझौते। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। देश की 60% से ज्यादा आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। इसराइल सीमित संसाधनों और पानी की कमी के बावजूद कृषि तकनीक में काफी आगे है। भारत इसराइल के साथ मिलकर 2015 से 2018 के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। इसराइल कृषि और इससे जुड़ी तकनीक के मामले में भारत की मदद कर सकता है। जल प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग। जल प्रबंधन पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले कृषि प्रधान भारत में पीने और सिंचाई दोनों के लिए पानी की जरूरत हमेशा बनी रहती है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में इसराइल काफी विकसित है, इसलिए इस क्षेत्र में वो भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में जल प्रबंधन से जुड़े समझौते होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूं मोदी की इसराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत को मोदी की इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद भी है, लेकिन इसराइल में पीएम मोदी के स्वागत में जो गर्मजोशी दिख रही है उसका कारण ये भी है कि इस यात्रा से इसराइल को भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा लाभ होने वाला है। आखिर इसराइल भारत से क्या चाहता है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसराइल दौरा जहां भारत के लिए कई मायनों में अहम है, तो वही इसराइल के लिए भी इसकी अहमियत कम नहीं है। रक्षा समझौतों पर इसराइल की नजर। इसराइल अपना 48% हथियार भारत को निर्यात करता है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान डिफेंस को लेकर जो नए समझौते होंगे उससे इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। भारत अभी 70 से 100 अरब रुपए के करीब सैन्य उत्पाद इसराइल से आयात करता है, जिसके अगले 5 साल में 150 अरब रुपए पहुंचने की उम्मीद है। भारत में निवेश का मौका। इसराइल की कंपनियों के लिए भारत में निवेश के बेहतर मौके बनेंगे। पीएम मोदी का मेक इन इंडिया कार्यक्रम उनके लिए सुनहरे अवसर की तरह होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल मोदी के दौरे के जरिए विरोधियों को बताना चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश न केवल उसका अच्छा दोस्त है, बल्कि उसके साथ उसके व्यापक कारोबारी रिश्ते भी हैं। भारत से दोस्ती का इस्तेमाल। इसराइल भारत की दोस्ती का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के साथ, एशिया के अन्य देशों के साथ डिप्लोमेसी में भी कर सकता है। इसराइल अपने अगल बगल विरोधी देशों से घिरा हुआ है, जबकि भारत के इन सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है। आमतौर पर दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत के जरिए इसराइल को महत्व। अपनी आजादी के 69 साल बाद भी इसराइल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसे भारत जैसी मान्यता नहीं मिल पाई है, क्योंकि जिस तरह फिलिस्तीन को तोड़कर नया देश बनाया गया उससे उसके विरोधी ज्यादा खड़े हुए। लिहाजा भारत से दोस्ती का इस्तेमाल इसराइल कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर अमेरिका दौरा और चीन से मिल रही धमकियों के मद्देनजर पीएम की इसराइल यात्रा की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। असल में इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ तो नॉन अलाइंड पॉलिसी से आगे बढ़कर मल्टी अलाइंड पॉलिसी यानी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के से संबंध बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं अमेरिका के करीबी इसराइल से संपर्क बढ़ाकर पाकिस्तान, चीन और रूस के बीच बढ़ रही नजदीकियों को एक मजबूत संदेश भी देना चाहते हैं, और ये कितना कारगर है ये अभी देखना होगा। भारत और इसराइल के बीच 70 साल के इतिहास और 25 साल के रिश्तों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इसराइल की यात्रा कर रहा है। दरअसल 1950 में पहली बार भारत ने इसराइल को मान्यता दी थी, लेकिन फिर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने में 42 साल लग गए। 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बने। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसराइल से बेहतर संवाद शुरू किया।
उस वक्त इसराइल के रक्षा मंत्री भारत की गुपचुप यात्रा पर आए। बाद में इसी साल इसराइल के प्रधानमंत्री अजर विजमैन और 2003 में एरियल शेरोन भारत आए, जबकि 2003 में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह इसराइल गए थे और 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसराइल जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस 25 साल पुराने हैं और ये हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है इसराइल, और हर किस्म से जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और भविष्य में भी ऐसा है कि अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भविष्य में जो रोड मैप बनेगा इसराइल और भारत की कोऑपरेशन के लिए उसके अहम मुद्दों पर बात होगी। भारत और इसराइल की दोस्ती पिछले कुछ वर्षों से ही परवान चढ़ी है, लेकिन दोनों की दोस्ती में कुछ ऐसे पड़ाव आए हैं जिनसे दोस्ती बढ़ती गई। 1962 में जिस दौरान भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था, उस वक्त इसराइल ने भारत को मोर्टार रोधी उपकरण दिए थे। इसके अलावा 1965, 1971 और करगिल युद्ध में इसराइल ने भारत को सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराए थे। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूती देने में इसराइल की हथियार बेचने की मंशा भी रही है। इसमें 1999 के करगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए लेजर गाइडेड बम और मानव रहित हवाई वाहन शामिल रहे हैं। मुश्किल के समय में भारत के अनुरोध पर इसराइल ने लगातार भारत की मदद की है। भारत और इसराइल की बढ़ती दोस्ती से भारत से बैर रखने वाले कई देशों को दिक्कत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इसराइल ने भारत को मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी अहम तकनीक दी है। वही इससे उलट इसराइल ने चीन को अवाक सिस्टम बेचने से इनकार कर दिया, पर उसने भारत को यह सिस्टम दिया। ऐसे में जब भारत और चीन में सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई है और अमेरिका दौरे से लौटे पीएम मोदी को महज आश्वासनों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, इस दौरान इसराइल भारत का बड़ा समर्थक बनकर खड़ा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि भारत और इसराइल के बीच में एक प्रकार का ये संबंध भी है, एक दायित्व भी बनता है कि दहशतगर्दी को सामना करने के लिए एक प्रकार का सहमति बनना चाहिए, और मुझे लगता है कि मोदी साहब की यात्रा में इस विषय को काफी गंभीर तरीके से चर्चा होगा। हाल के दिनों में रूस ने भी खुले तौर पर भारत का समर्थन नहीं किया है और पाकिस्तान के साथ साथ चीन से लोहा लेने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दोस्त की जरूरत है जिसकी कमी इसराइल पूरी कर सकता है। यूं तो सभी की नज़र भारत और इसराइल के रक्षा सौदों पर है, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों देशों के बीच कई और तरह के समझौते होंगे। इसमें आईटी, कृषि जैसे अहम समझौते शामिल हैं। वही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दोनों देश जल्दी फ्री ट्रेड की ओर बढ़ रहे हैं जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही दोनों देशों के बीच उद्योग, शोध और विकास के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक कोष भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूं इसराइल यूं ही उत्साहित नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। इसराइल को इस स्वागत से काफी फायदे होने वाले हैं। लगभग 48% अपने आयुध जो है वो इसराइल भारत को देता है और ये बाजार और बढ़ाने जा रहा है। लगभग ये 50% से ज्यादा जो उत्पाद होगा शस्त्रों का वो इसराइल भारत को देने जा रहा है। इस वजह से भारत एक बड़ा मार्केट है इसराइल के लिए, बड़ा खरीदार है, और इस खरीदार को इसराइल भी खोना नहीं चाहता। और इसी के अलावा इसराइल जिस तरह से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, अपने विरोधी देशों से घिरा हुआ है, ईरान और अफगानिस्तान जो बेहद विरोध करते हैं इसराइल का, और उन दोनों ही देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, और भारत का स्वागत करके, भारत के साथ अपनी दोस्ती साबित करके इसराइल इन देशों का भी प्रिय बनना चाहता है, या कम से कम इनका जो विरोध है उससे कम कर देना चाहता है, और मिडल ईस्ट में जो इसराइल की स्थिति है उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश इसराइल अपनी तरफ से कर रहा है। लेकिन भारत के लिए इसराइल कितना सहयोगी होगा ये देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत इसराइल के लिए बड़ा मार्केट है और इसराइल भी भारत के लिए ज़रूरी है, खासकर कुछ खास तकनीक के वजह से देखा जाए तो। उधर सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में चीन के साथ चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसराइल की यात्रा पर हैं। इसराइल पारंपरिक रूप से भारत को ही आयुध देता रहा है और चीन का विरोध भी करता रहा है, लेकिन चीन की दादागिरी के आगे भारतीय जवान पूरी अडिगता से खड़े हैं। देखना ये भी होगा
कि प्रधानमंत्री मोदी इसका क्या हल निकाल पाएंगे। दोनों ओर से करीब 3,000 जवान इस वक्त तैनात हैं। इस बीच चीन की मीडिया और थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि अगर भारत पीछे नहीं हटता है तो फिर जंग के जरिए समस्या का समाधान किया जाएगा। उधर दबाव बनाने के मकसद से चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां भी हिंद महासागर के इलाके में नजर आने लगी हैं। इसी बीच चीन ने अपनी नई कूटनीति और रणनीति भी शुरू कर दी है। चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं, रूसी राष्ट्रपति से, और इस बीच नेपाल के उप प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर हैं। चीन जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को पड़ोसी देशों के माध्यम से, वो बात गंभीर है और ऐसे में भारत को एक नई तरह की रणनीति बनाने की जरूरत आ पड़ी है। सिक्किम सेक्टर से लगती सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को चीन के बयान ने और गर्मा दिया है। चीनी मीडिया और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर भारत उसकी बात नहीं सुनेगा तो चीन को सिक्किम का विवाद सुलझाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीन ने भारतीय सुरक्षा बलों पर उसकी सीमा में घुसपैठ का आरोप लगाया है। सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच लगातार तीसरे हफ्ते तनाव बरकरार है। एक और जहां सीमा पर तनाव बरकरार है तो वहीं चीनी पनडुब्बियों और युद्ध पोतों की हिंद महासागर में गतिविधियां नजर आई हैं। भारतीय नौसेना इनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। वैसे पहली बार नहीं है जब चीन ने हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बी तैनात की है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए इसे गंभीर माना जा रहा है। भारत ने हाल ही में एक पनडुब्बी को हिंद महासागर क्षेत्र से उठाया था। चीनी नौसेना की ओर से हिंद महासागर में की जा रही गतिविधियों पर भारतीय नौसेना लगातार नजर बनाए हुए है। चीनी नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ती हुई सक्रियता भारत के लिए चिंता का विषय है, तो युद्ध की धमकी भी बेहद गंभीर मुद्दा है। चीन ने सिक्किम सेक्टर में भूटान के स्वामित्व वाले डोकलाम में भारतीय सेना की घुसपैठ का आरोप लगाया है। चीन डोकलाम को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं सुनिए सरकार की, और सुनिए सरकार में आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा और दूसरी ओर चीन के साथ सीमा पर जो तनातनी है वो एक नए ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रही है। दरअसल किसी भारतीय प्रधानमंत्री का तेल अभीव जाना, इसराइल के साथ अपने रिश्तों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या विश्व में तेजी से बदल रहे परिवेश में किसी एक गुट के साथ जुड़ना और दूसरे गुट को अनदेखा करना भारतीय विदेश नीति के लिए उचित होगा? अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम आपको दिखाएंगे भारत की पारंपरिक विदेश नीति और इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि इस पारंपरिक विदेश नीति से अलग होकर भारत क्या कुछ पा सकता है, क्या कुछ खो सकता है। तो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश की विदेश नीति चर्चा का विषय रही है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि वो अति उत्साहित हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी एक की नहीं सुनी और उन्होंने हर उस देश को छूने की कोशिश की, हर उस देश से संबंध बढ़ाने की कोशिश की जो अब तक भारत के लिए बेहद खास मित्रों की लिस्ट में नहीं रहा है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो, या फिर वो वियतनाम हो या इसराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, तमाम ऐसे देशों में गए जिनको कुल मिलाकर यदि देखें तो इनका आपस में कोई तालमेल नहीं था, आपस में कोई संबंध नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन शपथ ग्रहण किया वो भी उन्होंने खास बनाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया। इसके अलावा जब पहली बार किसी विदेशी मेहमान को बुला रहे थे तो चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग को बुलाया। अब ऐसे में पीएम मोदी ने जहां पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करने के प्रयास किए तो वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी संबंधों पर जोर दिया। मोदी ने देश के परंपरागत नॉन अलाइंड पॉलिसी से आगे बढ़कर मल्टी अलाइंड पॉलिसी यानी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों से संबंध बनाने की शुरुआत की और हर जगह उन्होंने भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और इस दोस्ती को ज्यादातर आप आर्थिक
आधार पर की गई दोस्ती मान सकते हैं। मोदी की इसराइल यात्रा भी इसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन क्या पारंपरिक विदेश नीति से हटने से भारत को आने वाले दिनों में इसका कोई फायदा होगा या फिर इसके कई नुकसान ऐसे होंगे जो दूरगामी हो सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या वाकई उत्साहित हैं और अति उत्साह में वो गलत कदम उठा रहे हैं या फिर उनकी हर नीति सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, उनकी हर यात्रा सोची समझी कूटनीति का हिस्सा है? देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अगर विश्व के बड़े नेताओं के बीच विदेश यात्राओं का कोई मुकाबला हो तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बड़ी आसानी से जीत लेंगे। उन्हें सत्ता में आए 3 साल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 45 से अधिक देशों का 50 से ज्यादा बार दौरा किया है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर विशेष ध्यान दिया, जहां वो अब तक 5 बार जा चुके हैं। भारत पिछले 15 सालों में अमेरिका के बहुत करीब आया है। इसे और आगे बढ़ाने और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए प्रधानमंत्री ने अमेरिका से रिश्ते मजबूत किए हैं। कई बार सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद क्या भारत की विदेश नीति बदली है, शक्तिशाली हुई है, क्या दुनिया में देश की छवि बेहतर हुई है? इन सवालों का जवाब देना शायद सीधे तौर पर मुमकिन नहीं है। पीएम मोदी के विदेशी दौरों के नतीजे मूर्त और अमूर्त दोनों हैं। कुछ फायदे आगे चलकर भी नजर आ सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति मूल रूप से वैश्विक निरस्त्रीकरण, कूटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित थी। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहे ध्रुवीकरण के दौरान भारत एक गुट विशेष के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा को भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 70 साल बाद मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इसराइल का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले जब भी कोई भारतीय राजनेता इसराइल पहुंचा तो बैलेंस बनाने की खातिर उसने फिलिस्तीन का भी दौरा किया। लेकिन मोदी ने परंपरा से हटकर तेल अवीव जाने का फैसला किया और अपने इस दौरे के दौरान वो फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर एक नजर डालें तो एक पैटर्न, एक सोच उभर कर आती है। मोदी सरकार की विदेश नीति में दक्षिण एशिया कितना अहम है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित कर भारत ही नहीं दुनिया के राजनीतिक पंडितों और बुद्धिजीवियों को चौंका दिया था। शायद मोदी जी को यह मालूम है कि अगर देश को विकास की राह पर ले जाना है तो घर के साथ अपना पड़ोस भी दुरुस्त करना होगा। जी हाँ, तो न केवल दूर के दोस्तों को बल्कि पड़ोस को भी दुरुस्त करना है और साथ ही दूर के दोस्तों को पास लेना लेकर आना है, और यही शायद प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। अब इस नीति का कितना असर होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस बीच विदेश नीति को लेकर तमाम बातें चल रही हैं, तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, और जितना संशय विदेश नीति को लेकर है उससे कहीं ज्यादा संशय देश में प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले को लेकर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को राज्य में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पास कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जीएसटी बिल के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टियों ने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों ही जगह प्रदर्शन किया और कई बार ऐसे अवांछनीय दृश्य भी देखने को मिले जो लोकतंत्र के लिए शर्म है। जीएसटी पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन बिल पास कराने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत विपक्ष ने ये कहते हुए इस पर विरोध जताया कि इस बिल के पास होने का मतलब कश्मीर की आर्थिक स्वायत्तता में दखल होगा। जब मार्शल्स ने सदन में हंगामे को नियंत्रित करने की कोशिश की तो विधायक रशीद इंजीनियर मार्शल्स से भिड़ गए। सदन में जीएसटी बिल को मंजूरी देने पर चर्चा चल रही थी। चूंकि हम 370 से गाइडेड है, स्पेशल स्टेटस है, फिजिकल ऑटोनॉमी है, उसको देखते हुए जो रूट इस कोलिशन सरकार को लेना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के लिए, वो रूट इन्होंने टाइमली, जो इनके पास सफिशिएंट टाइम था, वो नहीं लिया।
विधानसभा में जीएसटी बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई विधायकों को मार्शल की मदद से सदन से बाहर किया गया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हाउस अडजर्न किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया है। आज उन्होंने बहुत गंदा खेल खेला जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और भारत देश को गाली देने की कोशिश की, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलओ ने विरोध किया और स्पीकर साहब ने मार्शल आउट किया ऐसे एमएलए को जम्मू कश्मीर की असेंबली में। जम्मू कश्मीर भारत का टूट अंग है, था और हमेशा रहेगा। पत्रकारों को भी विधानसभा सत्र में कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद पत्रकारों ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। हालांकि बाद में स्पीकर ने सदन के भीतर कैमरा ले जाने की इजाजत दे दी। राज्य में जीएसटी को लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने के बाद बाजार पर सरकार की पैनी नजर है। कमोडिटीज की सप्लाई और उनकी कीमतों पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा अब तक 2,02,000 लोगों ने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पादों के एमआरपी को लेकर सरकार ने बयान दिया है। अगर जीएसटी लागू होने के बाद एमआरपी से अधिक दाम होंगे तो निर्माता को 2 अखबारों में सूचना देनी होगी और पैकेट पर रिवाइज एमआरपी लिखनी होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 20 लाख से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों से जीएसटी नहीं लिया जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें ना बढ़ें, इस पर सरकार की पैनी नजर है। जीएसटी पर नजर रखने के लिए सरकार ने 15 विभागों के सचिवों की कमेटी बनाई है। कुल 175 अधिकारी इसमें मदद करेंगे। हर अधिकारी के पास 4 से 5 जिलों की जिम्मेदारी होगी। जब प्राइस अगर इंक्रीज करता है एमआरपी से, तो उसके लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर या पैकर को दो अखबार में विज्ञापन देना होता है कि ये टैक्स की वजह से अब ये रिवाइज एमआरपी होगा, और उसके बाद जो है वो उसको अपने जो रिटेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक है या खुद अपना स्टॉक भेज रहा है उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज एमआरपी लगाएगा, पर पुराना एमआरपी या थवक दिखेगा, तो 2 एमआरपी उसमें दिखेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पादों की कीमतों से अलग वसूली को लेकर राजस्व सचिव हसमुख आडिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद रिटेल प्राइस में संशोधन हो सकता है। अगर एमआरपी से अधिक दाम होंगे तो निर्माताओं को 2 अखबारों में खबर देनी होगी और पैकेट पर रिवाइज एमआरपी लिखनी होगी। दाम कम होने पर विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। राजस्व सचिव ने कहा कि किसी भी चीज की एमआरपी में सभी टैक्स शामिल होंगे, इसके लिए अलग से किसी तरह के टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती। जब हम ये कहते हैं कि कंपोजिशन वाला या जो टैक्स एग्जेम्प्ट व्यक्ति है ट्रेडर, वो तो फाइनल माइलस्टोन है, फाइनल इन द चेन। उससे पहले वाले जो स्टेज में टैक्स की इनकम तो सरकार को हो ही जाती है। जब होलसेलर कोई रिटेलर को बेचता है तो वो टैक्स की इनकम सरकार में आ जाती है, होलसेलर ने पूरी भरी होगी। सिर्फ यही है कि जो लास्ट रिटेलर है उसकी वैल्यू एडिशन जो होगी उतनी कैप्चर नहीं होगी टैक्स में। राजस्व सचिव आर्या ने कहा कि 20 लाख से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों से जीएसटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि थोक दुकानदार से रिटेलर को सामान बेचने पर ही सरकार को टैक्स मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जीएसटी से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब देने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था की है। राजस्व सचिव हसमुख आडिया ने बताया कि दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर 6 दिन और लगातार जीएसटी से जुड़े सवालों को जनता के लिए समझाया जाएगा और ये लगातार किया जाएगा। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल भेज सकते हैं दूरदर्शन को और उसका जवाब आपको दिया जाएगा। जीएसटी की ये क्लास 3 दिन हिंदी और 3 दिन अंग्रेजी में होगी। इन क्लासेस में की शुरुआत जो है वो गुरुवार से होगी और इन क्लासेस में तमाम जो सवाल है उनका जवाब दिया जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक क्लास होगी, जबकि शनिवार को ये क्लास दोपहर 12 बजे होगी। और इस बीच एपीएन भी जीएसटी को डिकोड करने के लिए अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो इसको देखते हुए जीएसटी किस तरह से लागू हो रहा है, किस सामान पर कितना टैक्स आपको देना होगा, ये लगातार आपको बताता रहेगा। और जीएसटी से जुड़ा कोई भी बड़ी खबर होगी, कोई भी बड़ी ब्रेकिंग आएगी, वो सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा पहले की तरह।
चलिए आप जीएसटी की बात कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि जीएसटी को लागू हुए 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में 22 राज्यों के चेक पोस्ट हटा दिए गए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के 22 राज्यों से चेक पोस्ट हटाए गए हैं, जिसके बाद सरकार के राजस्व में 2300 करोड़ की बचत होगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी पूरे देश में लागू है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों ने 3 दिन के अंदर अपनी सीमाओं के चेक पोस्ट हटा लिए हैं। इन चेक पोस्ट के कारण अर्थव्यवस्था को 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लग रहा था। चेक पोस्ट हटने से आवाजाही अब काफी आसान हो गई है। इस राज्यों के बीच सामानों का आना जाना अब सुलभ और सरल हो जाएगा, जिसका असर उपलब्धता पर भी दिखने लगा है। अभी तक ट्रकों को राज्यों को चेक पोस्ट द्वारा जगह जगह पर रोकना पड़ता था। राज्य सीमाओं पर लगे चेक पोस्ट के जरिए माल और स्थान के आधार पर टैक्स वसूल किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप माल पहुंचाने में देरी हो जाती थी और वो सामान सामान्य रेट में महंगा भी हो जाता था। चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के इंतजार में ऐसे ट्रकों की कतार लग जाती थी और इनमें प्रदूषण भी बढ़ रहा था। विश्व बैंक की रिकॉर्ड 2005 के अनुसार चेक पोस्ट पर ट्रकों की देरी के कारण सालाना 900 करोड़ रुपए से लेकर 2300 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था। कई राज्यों ने ई वे बिल की व्यवस्था लागू होने तक जीएसटी पहचान नंबर, इनवॉइस नंबर, टैक्स इनवॉइस और लॉजिस्टिक फॉर्म से रजिस्ट्रेशन जांच के आदेश दिए हैं। इनमें असम, उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है। सरकार जीएसटी लागू होने के 6 महीने के भीतर ही ई वे बिल लाने के इंतजार का योजना पर काम कर रही है। इससे ट्रकों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। अगर कोई 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान राज्य या फिर राज्य से बाहर ले जा रहा है तो उसे जीएसटी नेटवर्क की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि फिलहाल मंत्रालय असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों सहित 8 अन्य राज्यों में भी चेक पोस्ट हटा रही है। दिशा बिस्ट, APN। तो जीएसटी लागू होने का असर ऑटोमोबाइल उद्योग पर भी पड़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद जहां लग्जरी और छोटे वाहन सस्ते हुए हैं, तो वहीं स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां कुछ महंगी हो गई हैं। हालांकि अगर तुलना करें तो छोटी गाड़ियों के मुकाबले बड़ी गाड़ियां ज्यादा सस्ती हुई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद अब आपको सपनों की गाड़ी के लिए कम पैसे देने होंगे। जीएसटी में मिली राहत के बाद जहां मारुति सुजुकी ने अपनी वाहनों की कीमत में 3% तक की कटौती की है, तो वहीं कई अन्य कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती की है। मारुति सुजुकी के ऑल्टो 800 के दाम 7,500 रुपए तक कम हुए हैं, जबकि मारुति स्विफ्ट की कीमत 18,000 रुपए तक घट गई है। स्विफ्ट डिजायर का दाम 20,000 रुपए तक कम हुआ है। हालांकि कंपनी ने स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली सियाज और अर्टिगा मॉडल के डीजल वर्जन की कारों के दाम 1,00,000 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जीएसटी ढांचे के तहत इसे हल्के हाइब्रिड व्हीकल्स पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो गई है। टाटा मोटर समूह की कंपनी जैगुआर लैंड रोवर JLR ने भारत में बिक रही अपनी सभी कारों के दामों में औसतन 7% घटाने का ऐलान किया। जीएसटी आने से कंपनी की लागत में कमी होगी, जिसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कीमतों में कटौती की गई है। जैगुआर लैंड रोवर ने गाड़ियों के दाम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक घटाए हैं। जीएसटी में 1500 cc से ऊपर की क्षमता के इंजन वाली लग्जरी कारों और SUV वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ 15% का सेस लागू किया गया है। इस तरह इन वाहनों पर कुल मिलाकर 43% टैक्स लगा है, जो पहले के 50% तक के टैक्स से कम है। जीएसटी लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर यह असर पड़ा है कि छोटी कारें बड़ी कारों के मुकाबले कम सस्ती हुई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टैक्स की छूट बड़ी कारों को ज्यादा मिली है और छोटी कारों को कम। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में कम प्रदूषण फैलाने वाली हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बड़ी राहत दी जाती है, लेकिन जीएसटी में उन पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर धमकी देने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि राज्यपाल मुझे धमका नहीं सकते, राज्यपाल नामित हुए हैं और जो मन में आया वो नहीं बोल सकते। वहीं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने अपनी सफाई में कहा कि मुख्यमंत्री से उन्होंने सिर्फ शांति बहाल करने की बात कही है। केसरीनाथ ने कहा कि राज्य के मामलों में राज्यपाल मूक नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जिस तरह से उन्हें धमकाया उसके बाद वो इस्तीफा देने का सोच रही थी। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि वो राज्यपाल की मदद से मुख्यमंत्री नहीं बनी है। जिस तरह से उन्होंने बात की वो लहजा नीचा दिखाने वाला था। बकौल ममता, गवर्नर ने उनके साथ बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात की। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई सामुदायिक हिंसा के संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को फोन किया था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जीवन में कभी भी वो इतनी असम्मानित नहीं हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल ने बीजेपी के एक ब्लॉक अध्यक्ष के समान भाषा का इस्तेमाल किया। एनडीए की सरकार और ममता बनर्जी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। ममता आरोप लगाती रही हैं कि उनकी सरकार के प्रति बीजेपी का रवैया सही नहीं है, उनके सांसदों को जबरन फंसाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने हर बार ऐसे आरोपों से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने का जिम्मा ले लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रतिनिधि रामनाथ कोविंद को जेडीयू के समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस से नीतीश के संबंधों में तनाव आ गया था और रोज उनके बीच वाद विवाद चल रहा था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नीतीश कुमार को मौका परस्त बताया था, जिसके बाद नीतीश ने कांग्रेस को खूब खरी खरी सुनाई थी और अब शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए राहुल ने जिम्मा उठाया है। देश में अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत, सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव से काम नहीं चलेगा और सिर्फ एकता की बात कर देने से भी काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया। साफ शब्दों में कांग्रेस को बता दिया कि वो किसी के पिछलग्गू नहीं और उन्हें पीएम बनने के लिए किसी की खुशामद भी मंजूर नहीं। मीरा कुमार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आखिरी मौके पर आगे करने से नीतीश कुमार झुंझला गए थे। बिहार की बेटी बनाकर कांग्रेस ने उनके सामने मीरा कुमार को खड़ा कर दिया था। नीतीश तब तक कोविंद पर हामी भर चुके थे। फिर क्या था, कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने नीतीश के बार बार रंग बदलने की आदत पर हमला बोल दिया था। हम हराने की नहीं करते, हम जिताने की करते हैं और हम कांग्रेस पार्टी सिद्धांत की नीति करते हैं। जो लोग भी सिद्धांत पर चलते हैं, एक सिद्धांत पर, वो एक फैसला करते हैं। जो लोग कई सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं वो अलग अलग फैसले लेते हैं। दरअसल कांग्रेस के भीतर ही एक और कांग्रेस है जो कांग्रेस के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करती है। नीतीश को नाराज करने का आरोप भी उसी कांग्रेस पर लगाया गया। नीतीश ने राष्ट्रपति चुनाव और विपक्षी एकता के मसले पर सोनिया से मुलाकात और बात भी की थी, लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये थी कि नीतीश की पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव ही पहले एनडीए के पत्ते खुलने तक इंतजार करने की बात कह गए थे। सोनिया को मोदी पर आम राय से राष्ट्रपति बनाने की मंशा पर संदेह था। एनडीए ने भी कांग्रेस से शो करने को कहा। कांग्रेस को तो अभी पत्ते फेंटने बाकी थे। ममता बनर्जी और वाम दल गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर अड़े हुए थे। इससे भी बड़ी बात ये कि विपक्षी दलों को कांग्रेस के किसी भी नाम पर नाक भौं सिकोड़ना तय था। मोदी शाह की जोड़ी ने इसी मौके का फायदा उठाकर दो दिन पहले ही रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और विपक्ष संभल पाता कि दलित उम्मीदवार के नाम पर असंतुष्ट दलों से भी रजामंदी ले ली गई। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उधर आरजेडी के साथ भी जेडीयू की तनातनी से महागठबंधन के टूटने के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन लालू और नीतीश दोनों को समझ में आ गया कि इस मुद्दे पर आपस में लड़कर पैदल हो जाने से बहुत फायदा नहीं है। हमारे बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, इसके जो कार्यक्रम है उसको लागू करना हम लोगों की प्राथमिकता है और उसी काम में हम सब लगे हुए हैं। नानी के घर से लौटे कांग्रेस के राजकुमार को मालूम हुआ तो गरमाए। विकास के लिए नीतीश की बार बार तारीफ कर वही जेडीयू को अपने पाले में लाए थे। भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने से रोक के खिलाफ लाए जाने वाले विधेयक को फाड़कर राहुल गांधी ने लालू यादव के राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था। लेकिन काफी वक्त तक कांग्रेस से मुंह फुलाए लालू यादव आखिर सोनिया के मनाने पर साथ आ गए। अब राहुल को सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की जरूरत है, सो उन्होंने नीतीश कुमार को संदेशा भिजवा दिया। नीतीश और क्या चाहते थे, नेकी और पूछ पूछ। राहुल में प्रधानमंत्री बनने का आत्मविश्वास आया नहीं और कांग्रेस को मोदी के खिलाफ उतारने के लिए बड़े चेहरे की जरूरत है। वहीं नीतीश के पास चेहरा है तो समर्थन नहीं है। राहुल गांधी बिहार वाले समीकरण को 2019 के आम चुनाव में दोहराना चाहते हैं।
कांग्रेस को उम्मीद है कि 2019 ना सही तो 2024 तक राहुल जी परिपक्व नेता हो जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहरहाल राहुल गांधी की वजह से बिखरे विपक्ष की ट्रेन पटरी पर आती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के पिछड़ेपन के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधा है। वो ओडिशा में हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा की बदहाली के लिए बीजेडी सरकार जिम्मेदार है। 3 दिन के दौरे पर ओडिशा पहुंचे शाह ने कहा कि लोगों का भरोसा बीजेपी पर अब बढ़ रहा है और ओडिशा में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अमित शाह ने गंजाम जिले में पार्टी के एक दलित कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। पंचायत चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी की नजर अब ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। 17 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक के करिश्मे को अमित शाह ने इस बार तोड़ देने का दावा किया है। ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गंजाम जिले के हुगुलपट्टा गाँव में एक दलित परिवार के घर भोजन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। ओडिशा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत गंजाम जिले से की है। आप महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए, हरियाणा में जाइए, कर्नाटक जाइए, पंजाब जाइए, वहां का जो विकास है ना, विकास इसके मूल में जाएंगे तो मेरे ओडिशा के भाई के पसीने की महर आएगी, महर का। ओडिशा के मजदूर ने पूरे देश का विकास, मगर दुर्भाग्य की बात है पूरे देश को आगे बढ़ाने वाला ओडिशा का युवा ओडिशा का विकास नहीं कर। 3 दिन के अपने दौरे में अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बूथ मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाले अमित शाह कार्यकर्ताओं को मो बूथ सब बूथ मजबूत यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का मंत्र देंगे। शाह ने दावा किया कि इस बार बीजेडी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी की अगुवाई में राज्य में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं और टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, सबको संकल्प लेना होगा, जब तक ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता, हमें आराम करने का अधिकार नहीं। जब 2014 में पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, तब ओडिशा में नवीन पटनायक ने इस लहर को रोक दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 21 में से महज एक सीट मिली थी। हालांकि पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस बार 17 साल पुरानी नवीन पटनायक सरकार को पछाड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की कई योजनाओं पर चाबुक चलाने के बाद राज्य की योगी सरकार ने अब साइकिल ट्रैक पर नजरें टेढ़ी कर ली है और अब अतिक्रमण से लेकर बरसात का पानी रुकने समेत कई वजह गिनाकर ट्रैक को तोड़ने की तैयारी हो चुकी है, जिसका ऐलान नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने किया है और जल्द ही इन साइकिल ट्रैक्स को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि साइकिल ट्रैक्स को बनाने में जितना पैसा लगा था, एक तो उसकी भी जांच जरूरी है कि आखिर तकनीक तौर पर यदि ये गलत बना है तो गलत क्यों बनाया गया, और साथ ही इसे तोड़ने पर जो खर्च आएगा उसकी भरपाई भी अब कौन करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 200 रुपए के नोट जारी करने वाला है। आरबीआई ने नए नोटों की छपाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने पिछले नवंबर में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था और उसके बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे, लेकिन अब सुविधा के लिए 200 के नोट भी बाजार में आएंगे। केंद्र की मोदी सरकार जल्द 200 रुपए का नोट प्रचलन में लाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नोट की छपाई भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 200 रुपए के नोट को प्रचलन में लाने के लिए आरबीआई का मकसद लोगों के लिए लेन देन आसान करना है। दरअसल नोटबंदी के बाद आए 2000 रुपए के नए नोट से आम आदमी के लिए खुले पैसों की किल्लत बढ़ गई है। कुछ सप्ताह पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इन नोटों की छपाई का आदेश दिया है। इस समय सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इन नोटों की छपाई का काम चल रहा है। पहले प्लानिंग थी कि इन नोटों को जुलाई में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें कुछ देर हो सकती है। आरबीआई बोर्ड की मार्च में हुई मीटिंग में 200 रुपए के नोटों को लागू करने का फैसला लिया था।
इससे पहले सरकार भी नागरिकों के लिए इस्तेमाल में आसान रहने वाले नोट को जारी करने पर विचार कर रही थी। आरबीआई की ओर से कुछ सप्ताह पहले ही इन नोटों की छपाई का आदेश दिया गया है। इसके बाद से ही सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इन नोटों की छपाई का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 200 रुपए के नए नोट एडवांस सिक्योरिटी वाले होंगे। इन नोटों की छपाई में काफी अधिक सावधानी बढ़ती जा रही है ताकि इसके नकली नोट ना छापे जा सकें। जल्द ही आपको 200 रुपए का ये नया नोट देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इस बीच एक अच्छी खबर भी है। नोटबंदी की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च तक जायज वजहों से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को जमा न करवाने वालों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के पूछे गए सवाल से बढ़ गई है। नोटबंदी पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि ऐसे लोगों को एक और मौका क्यों नहीं मिल सकता जिन्होंने अब तक अपने पुराने नोट जमा नहीं किए। ये तस्वीरें अभी आपके जहन में बरकरार होंगी। पिछले साल 8 नवंबर के बाद ऐसी कतारें आम हो गई थी, लेकिन फिर भी समय सीमा खत्म होने तक बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने नोट नहीं बदल सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा है कि जो लोग नोटबंदी के दौरान दिए वक्त में पुराने नोट जमा नहीं कर पाए उनके लिए एक मौका और क्यों नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि जो लोग उचित कारणों के चलते रुपए बैंक में जमा नहीं करा पाए उनकी संपत्ति सरकार इस तरह नहीं छीन सकती। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास पुराने नोट जमा कराने का सही कारण है उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। सरकार का ये कदम अविवेकपूर्ण है, यह सही नहीं है। बड़ी राशि हो तो पूछना वाजिब है, लेकिन छोटी राशि भी नहीं लेना गरीबों पर जुल्म ही है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर उचित कारण वाले लोगों को एक और मौका नहीं दिया जाता है तो इसे गंभीर मुद्दा माना जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया कि अगर रुपए जमा कराने की अवधि में अगर कोई जेल में रहा होगा तो वह रुपए कैसे जमा कराता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात को समझते हुए सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई मौका जरूर दे। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों पर केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। एक महिला की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि वो नोटबंदी के वक्त अस्पताल में थी और उसने बच्चे को जन्म दिया था, इस वजह से तय समय सीमा पर पुराने नोट जमा नहीं करा सकी। इसके अलावा भी कई अर्जियां दाखिल की गई है और पुराने नोट जमा करने के लिए मौका दिए जाने की गुहार लगाई गई है। इससे पहले 21 मार्च को भी कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा नहीं कराए उनको एक मौका और देना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेर की अगुवाई वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का निर्देश लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोग बिना किसी दोष के अपने ही पैसे को गंवा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस बारे में निर्देश लेकर आएंगे कि क्या लोगों को केस टू केस आधार पर मौका दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से 7 अप्रैल को हलफनामा दायर कर कहा गया था कि 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने के लिए अब और वक्त नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट APN। मुंबई की टाटा कोर्ट में गैंगस्टर अबू सलेम की सजा को लेकर जिरह चल रही है और अब CBI ने सलेम के लिए फांसी की नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा मांगी है। CBI के वकील दीपक सालवी ने कहा कि अबू सलेम को उसके जुर्म के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वह उसे उम्र कैद दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सालवी ने पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण संधि की शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। केस की सुनवाई कर रहे जज GD सुनाप ने CBI के वकील सालवी के इस मांग की सराहना की। मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। बुधवार को बचाव पक्ष अपनी दलील रखने वाला है। हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई हाईवे सिटी के बीच से होकर गुजरता है और अगर उसे डी नोटिफाई किया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिटी के अंदर के हाईवे और बिना सिटी के हाईवे में बहुत अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब की बिक्री पर रोक के पीछे सोच ये है कि लोग शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएं, लेकिन सिटी में इस तरह की रफ्तार देखने को नहीं मिलती। CJI ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो सवालों के जवाब दें और फिर 11 जुलाई को सुनवाई कर आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ में हाईवे को डिनोटिफाई करने के मामले में सुनवाई कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की।
4 जुलाई 1776 आज का दिन अमेरिका की आजादी के तौर पर जाना जाता है। अमेरिकी आजादी के 100 साल पूरे होने पर 1776 में फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तोहफे में दी थी। इस पर अमेरिकी स्वतंत्रता की तारीख 4 जुलाई 1776 अंकित है। 4 जुलाई 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के खिलाफ पेशवा और निजाम के साथ संधि की थी। और 4 जुलाई 1865 में मशहूर अंग्रेजी उपन्यासकार एलिस इन वंडरलैंड का प्रकाशन आज ही के दिन हुआ था। और 4 जुलाई 1902 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था। 4 जुलाई 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। और 4 जुलाई 1963 में तिरंगे को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। और आज दुनिया भर में भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाले वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, ये कौन नहीं जानता। 12 जुलाई 1863 में कोलकाता के कुलीन परिवार में जन्मे नरेंद्र ने भारतीय और पश्चिमी धर्म दर्शन का अध्ययन करते हुए स्कॉटिश कॉलेज से स्नातक किया। वेदांत के ज्ञाता वो थे और विवेकानंद को युवा सन्यासी कहा जाता है। विवेकानंद की हरेक बात, हरेक भाषण, हरेक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो आम जीवन पर सीधे तौर पर उतारा जा सकता है। भारतीय वेदांत को सहज भाषा में समझाने का काम यदि किसी ने किया तो स्वयं विवेकानंद ने किया। हालांकि विवेकानंद समय के साथ, युगों के बदलने के साथ काफ़ी राजनीतिक भी हो चुके हैं, कई लोग उनका राजनीतिक उपयोग भी करते हैं, लेकिन विवेकानंद को यदि स्वयं में समझा जाए तो वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे ज्ञान हैं, एक ऐसे दर्शन हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझाते हैं, जो मानव से मानव के प्रेम के सिद्धांत को बताते हैं। विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हें याद करते हुए, उनकी सीख को याद करते हुए देश की बात के सफर को यहीं थामती हूँ। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।